हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल बिहार एसएससी के द्वारा ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है, जिसमें फिजिकल के लेकर डिटेल में बताया गया है। उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं और कुछ कमेंट भी आ रहे हैं कि फॉरेस्ट डायरेक्टर के लिए अभी तक कोई भी नोटिस नहीं निकाला गया है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे अखिलेश कुमार हैं, इन्होंने लिखा है कि 01 फॉरेस्ट गार्ड का शेड्यूल नहीं जारी किया गया है अभी तक। और भी इस तरह से कमेंट बहुत सारे आए हैं। मुकेश कुमार ने लिखा है कि फॉरेस्ट गार्ड का कब तक आ सकता है, और संजीव कुमार भी लिखा है कि फॉरेस्ट गार्ड का कब तक आएगा। इस बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले उस नोटिस में क्या आया था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपको फिजिकल से बाहर कर दीजिएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस नोटिस में लिखा गया था कि आयोग द्वारा आशु सहायक अवर निरीक्षक पोस्ट कोड 02, टंकन सहायक अवर निरीक्षक पोस्ट कोड 03 तथा अधिनायक अनुदेशक पोस्ट कोड 04 पद हेतु शारीरिक क्षमता जांच माप परीक्षण दिनांक 3 अगस्त से 4 अगस्त को निर्धारित किया गया है। यानी कि आपका जो फिजिकल है इन सारे पोस्टों के लिए 3 से 4 जुलाई के बीच में रखा गया है। और भी इसमें क्या पाते हैं उसको जानते हैं। इसमें लिखा गया है कि उक्त जांच या फिर माप परीक्षण दानापुर स्थित जगजीवन स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। दोस्तों, ये दानापुर में स्टेडियम है, इसी में आपका फिजिकल लिया जाएगा। सबसे पहले उस दानापुर स्टेडियम के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, यही है जगजीवन स्टेडियम दानापुर, बहुत ही अच्छा स्टेडियम है, बहुत ही अच्छा इसका ग्राउंड है। यहीं पर आप सभी का फिजिकल होने जा रहा है। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना अच्छा ग्राउंड है, सभी स्टूडेंट यहाँ लाइन लग रहे हैं और इनका फिजिकल होना है। ये पहले भी कभी इनका फिजिकल हुआ होगा, इस तरीके से इनका ग्राउंड है। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि कुछ छात्र रनिंग कर रहे हैं, तो इसी तरह का आपका भी रनिंग होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए और आगे क्या बातें लिखी गई हैं उसको पढ़ते हैं। इसमें और बातें हैं कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर शारीरिक क्षमता जांच माप परीक्षा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपका जब जिस डेट पर आपका फिजिकल होगा और जिस टाइम पर आपका फिजिकल होगा उसी टाइम पर आपको पहुंचना है। अगर मान लीजिए कि आपका 7 बजे फिजिकल है तो आपको आधा घंटा पहले या फिर 1 घंटा पहले पहुंचकर अपना रिपोर्टिंग देना है, क्योंकि अगर बाद में अगर आप पहुँच रहे हैं या फिर 2-3 घंटा बाद तो वो बैच तो दौड़ लेगा, तो फिर आप वहाँ पर छट सकते हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँच कर अपना रिपोर्टिंग जरूर दीजिएगा। और भी क्या बातें हैं इसमें देखते हैं। इसमें ये बात लिखी गई है कि अभ्यर्थी अपने साथ मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र, यानी कि आपने जो बीएससी मेंस दिया था उसका जो एडमिट कार्ड था उस एडमिट कार्ड को अपने साथ ले जाना है, और साथ में एक पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आई कार्ड या फिर आप बैंक का जो पासबुक होता है, यहाँ पे मूल लिखा गया है, इसलिए आप ओरिजिनल लेके जाइएगा और एक 2 कॉपी करा लीजिएगा ताकि अगर मांगे तो आप दे सकते हैं। इसमें और भी एक बात लिखी गई है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी हमेशा मास्क को पहने रखेंगे। तो आप लोग अपने से ही मास्क लेके जाइएगा, वहाँ पर शायद आपको मास्क नहीं दिया जाएगा। और भी इसमें है कि हैंड सैनिटाइजर, एक अपना हैंड सैनिटाइजर खरीद लीजिएगा और साथ में पेयजल यानी कि एक पानी का बोतल भी ले जाइएगा, वहीं पर आप अपना सुविधा के अनुसार ले जा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप सभी को लेकर जाना है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपका जिस दिन फिजिकल होगा उसी डेट पर और उसी टाइम पर आपको वहां पर पहुंचना है, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग समय पर रिपोर्टिंग देकर आप लोग रनिंग करके आइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का रनिंग सफलतापूर्वक रनिंग कर लीजिएगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड का। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड के लिए अभी तक वेबसाइट पर कोई नोटिस नहीं निकाला गया है, लेकिन पूरी आशा है कि बहुत ही जल्द आप सभी के लिए कोई नोटिस निकालकर तिथि को निर्धारित करके आप सभी का फिजिकल लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग लगातार बीएससी के वेबसाइट को देखते रहिएगा, बहुत ही जल्द आप सभी का नोटिस निकाल दिया जाएगा। धन्यवाद।